दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों पर हमले के खिलाफ गुरुवार को बायतू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा वामपंथ का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद उपप्रभागीय न्यायाधीश को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बायतू से राकेश जैन की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बायतू के कार्यकर्ताओं द्वारा दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं पर हमले को लेकर गुरुवार को उपखंड मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने वामपंथ का पुतला फूंककर नारेबाजी की और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन के बाद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जोधपुर प्रांत कार्यकारिणी सदस्य श्रवण सारण के नेतृत्व में उपखंड मजिस्ट्रेट को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाया कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर जेएनयू में वामपंथियों द्वारा हमला किया गया। उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष भरत शर्मा ने प्रशासन से मांग की कि हिंसा के संलिप्त वामपंथी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। महाविद्यालय कई अध्यक्ष ओम प्रकाश मूड ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर छात्र संघ महासचिव ओम प्रकाश सारण, छात्र संघ उपाध्यक्ष धर्माराम मूड, नगर अध्यक्ष रतन राव, ओम प्रकाश साई, जोगाराम सारण, बग्गाराम भरतपुरी, पनील ठाकरा राम, जितेंद्र खीचड़, रूप किशोर बाना, डूंगरा राम, कुंभाराम, किशनलाल समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे।